गॉड, ये शाहना भी ना हमेशा से इसका ध्यान मुझ पर ही रहा है। अरे शादी चल रही है, शादी पे ध्यान दे। पर नहीं, ये भी तो नहीं पता कि जाऊंगी कहां और निकलूंगी कहां से। आलिया भूजी, ये आलिया भूजी ये अगर यहां पर है तो पक्का कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो गलत होगा और मुझे ना इन्हें रोकना होगा, सब कुछ बर्बाद कर देंगी। प्राची की शादी कैसे रोकू? चाहूंगा और बोलूंगा कि प्राची शादी मत करो तो ये सब मारेंगे मुझे। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे प्राची से अकेले में बात करनी है, अकेले में उसको बोलना है, समझाना है। पर आसान थोड़ी है कि प्राची के पास जाऊं, बोलूं कि प्राची शादी मत करो अक्षय से और चुपचाप मान जाएगी, मेरे साथ चलेगी, ऐसा कैसे होगा? लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी ये शादी। पर प्राची ने भी तो मेरी शादी रियासत तुड़वाई थी ना, ऐसा नहीं है कि मैं शादी करना चाहता था किसी से, बट उसने तुड़वाई शादी मेरी। पर प्राची की हिम्मत कैसे हुई मेरे उगते हुए वो इस मंडप पे बैठ कैसे गई? उसका पति हूं, ऐसे नहीं कर सकती हूँ। मुझे किसी भी तरीके से प्राची को अकेले पकड़ना है। अच्छा, पटाखे फोड़े जाएंगे शादी करने के बाद, सेलिब्रेशन? मैं दिखाता हूँ कैसे सेलिब्रेशन होता है। शादी नहीं होने दूंगा, सेलिब्रेशन तो बाद में करोगे। वाओ, व्हाट अ नाइस आइडिया। क्या बात है रणवीर, वाओ वाओ नाइस वाओ। आओ आओ, इस उम्र में पाजी घुटने में बहुत दर्द हो जाता है ना। क्या हो गया मेरे साथ? ओह माय गॉड, तू यही थी, इन्होंने ही मुझे किडनैप कराया था। प्राची मेरी बात नहीं यार, हे भगवान, क्या कर रहे हो आज मेरे साथ? सर पड़वाओगे क्या मेरा? आज जब आपकी मुझे सख्त जरूरत है, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों? हेल्प मी। शान, शान
रुक जाओ। शाना की आवाज प्राची जैसी क्यों हो गई है? भागिए मत, मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, बाद में पुलिस को आपको अरेस्ट करवा सकती हूँ मैं। इतनी हिम्मत, इतनी बड़ी बातें, शाना नहीं हो सकती, ये प्राची है। यू रुक जाओ, जस्ट स्टॉप। हाँ स्टॉप। कैसे बिहेव कर रही हो तुम मेरे साथ? अरे मैनर्स कहाँ तुम्हारे? मैनर्स? आपके लिए मैनर्स उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन आप में से इंसानियत खत्म हो गई थी। और गनीमत समझी, जो भी आपने मेरे साथ किया ना, उस हिसाब से बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ मैं आपके साथ। नो, यू दिस टाइम इट्स यू। बहुत सारे सवाल है मेरे पास जिसके जवाब आप देंगी। मैं तुम्हारे कोई भी सवालों का जवाब नहीं दूंगी प्राची। देना पड़ेगा, हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि क्यों किया मेरे साथ आपने ऐसा। मैंने क्या बिगाड़ा था मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ? वो तो जस्ट पैदा हुई थी, उसको छीन लिया आपने मुझसे। मेरी बच्ची को क्यों छीना? क्यों तो ऐसा क्या कर लिया तुम्हारे साथ प्राची? एंड लुक एट यू, तुम तो दोबारा से शादी करने जा रहे हो। क्यों ना करूं मैं, क्यों ना करूं? रणबीर भी तो कर रहा है, आपको तो पता ही होगा, है ना? तो उसे हक नहीं है खुश रहने का? तुम्हारे साथ दुख और दर्द के सिवाय रणबीर ने देखा ही क्या है? अगर खुशियां उसे मिली है ना, तो वो उसे रिया के साथ ही मिली है। रिया इज हिज ट्रू सोलमेट। रिया बनी है रणबीर के लिए। जब जब तुम रणबीर को छोड़कर गई हो ना, मेरी रिया ने रणबीर को संभाला, और ये बात रणबीर समझ चुका है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग प्राची, अगर सच बोलूं तो रणबीर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। वो किसी खुशी नाम की लड़की को अडॉप्ट करने की सोच रहा है रिया के साथ। खुश है वो अपनी लाइफ में, रिया और वो बहुत खुश हैं। इनफैक्ट रणबीर तो रिया से ज्यादा खुश है। उन दोनों की शादी से अभी आ रही हूँ मैं, उन दोनों को ब्लेसिंग भी देकर आ रही हूँ। यहाँ तुम्हारे पास तुम्हें ब्लेसिंग देने आई थी, लेकिन जब तुम्हें देखा तो वही सारी पुरानी बातें, पुरानी यादें सामने आ गई। जानती हूँ मैं प्राची की बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारी बेटी पंछी मेरे हाथों से गिर गई थी, लेकिन गलती से गिरी थी प्राची। I'm sorry. अगर हो सके तो ये पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। और हाँ प्राची, मेरी रिया से दूर रहना, क्योंकि अब वो रणबीर की हो चुकी है। रणबीर और रिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं तुम्हारे बिना। प्लीज उनकी लाइफ में दोबारा मत आना, क्योंकि जब भी तुम उनकी लाइफ में आती हो ना, प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। पीछे मत पड़ना रणबीर के। नहीं पड़ी हूँ रणबीर के पीछे, बिल्कुल नहीं पड़ी हूँ। मुझे नहीं चाहिए रणबीर, मेरे घर, मेरी लाइफ, मेरे आसपास, आगे पीछे नहीं चाहिए रणबीर। और इसलिए नहीं क्योंकि आप कह रही, इसलिए क्योंकि मैं ही नहीं चाहती। मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और रणबीर तो हरगिज नहीं चाहिए। फिर उसे जो करना है करे, रिया से शादी करनी, किसी और से शादी करनी, 10,000 शादियां करनी, आई डोंट केयर। रणबीर के साथ जितने रिश्ते थे ना, तोड़ रही हूँ। इनफैक्ट बहुत पहले तोड़ चुकी हूँ, सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। एक नया परिवार, नया रिश्ता, नई दुनिया मेरा इंतजार कर रही है, और
इसीलिए क्योंकि अक्षय और रणबीर की कोई बराबरी नहीं हो सकती। मैं खुश हूँ और अक्षय के साथ अपनी जिंदगी देख रही हूँ, कोई मायने नहीं रखता, रणबीर तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ अक्षय मायने रखता है, सिर्फ और सिर्फ अक्षय। रणबीर बेहोश पड़ा है, ये सीधा मंडप में बैठेगी, बस अब इसकी शादी होके रहेगी। आलिया, यू आर टू स्मार्ट, तू तो भगवान है इस प्राची की लाइफ की, तो इसका भाग्य डिसाइड कर रही है। वाओ प्राची, प्राची सुन तो। क्या सुनो? क्या देखा तूने? ना सुना ना तूने क्या कह रही थी? वो शादी कर रिया के साथ, अब कुछ बोलना बाकी है? सीरियसली प्राची, अब हम ये बात करने वाले कि आलिया बूजी क्या कह रही थी, उनकी बात मानेंगे हम? तो नहीं, क्या कहना चाहती है तू? बोल, बोल ही दे। प्राची वो रणबीर, 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 रणबीर बस कर अभी। जब देखो रणबीर की तरफदारी, रणबीर की साइड मत कर अभी ऐसे। वैसा नहीं है वो जैसा तू सोच रही है, वैसा भी नहीं जैसा मैंने कभी सोचा था। और आलिया बूजी ने क्या किया तेरी वजह से? वो यहाँ आई मेरी शादी हो रही है नहीं हो रही है चेक करने के लिए, वो भी अपने मतलब के लिए। मतलब हद हो गई है, वो अपने मतलब के लिए मेरी सिचुएशन, मेरी शादी को भी इस्तेमाल करेंगी। प्राची वो क्या सोच तू? अगर मैं किसी की भी बातों में आ जाती और ये शादी रोक देती, पागलों की तरह मंडप से चली जाती उठ के, तो क्या होता? रणबीर फिर भी रिया से शादी करता। वो बहुत सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, उसने जो करना है ना वो वही करना है। किसी के बारे में, मेरे बारे में तो हरगिज़ नहीं सोचना है, वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है शाना, तू समझ? नहीं प्राची वो नहीं, बहुत ओके। अब मैं किसी को या फिर स्पेशली रणबीर को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, उसने जो करना था कर ली। सुन ले तू मेरी बात, अब कुछ नहीं बोलेगी, तू सिर्फ सुनेगी। रणबीर ने आंसुओं के अलावा, दुख के अलावा, दर्द के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया है। अब मैं सब भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उसके बारे में नहीं सोच सकती। अब हो गया है, आई एम डन। आई कैन नॉट लेट रणबीर रूइन माय लाइफ। अब वो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। प्राची, प्राची तू सुन मेरी बात। प्राची रुक, प्राची मेरी बात सुन। नहीं, नहीं सुनूंगी, तू सुन ले। रणबीर से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि मैं अक्षय से शादी करी, फाइनली मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। रणबीर जैसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है। रणबीर ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, प्यार के नाम पे सिर्फ झूठ बोला है, धोखा दिया है, मुझे रुलाया है, बस मेरे आंसू आए हैं उसकी वजह से। उसे कभी मुझसे प्यार नहीं किया शाहना। उसे लगता है कि बहला फुसला के, प्यार भरी बातें करके, झूठे प्यार का झूठा दावा देके मुझे बना लेगा और मैं मान जाऊंगी, क्योंकि प्राची तो बेवकूफ है, अंधी है प्यार में, है ना? लेकिन नहीं, अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। इनफ इज इनफ, आई हैव हैड इनफ। इनफैक्ट मुझे ना अच्छा लग रहा है, अच्छा ही हो रहा है कि वो रिया से शादी कर रहा है, क्या पता कर भी ली होगी। आई डोंट केयर, ऑल आई केयर अबाउट इज अक्षय, क्योंकि अक्षय एक बहुत अच्छा इंसान है, मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूं। उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो रणबीर जैसा नहीं। इसीलिए मैं अक्षय से शादी करने जा रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है ये शादी। रिया रो क्यों रही हो? बिल्कुल नहीं रोना। क्यों रो रही हो? हाँ इसलिए रो रही होगी कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता। अरे कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ना करे बाढ़ में जाए। मैं हूं ना रिया,
और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you। और हाँ, जिसको कोई प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई नहीं है। रिया, sweet रिया, मैं हूँ तुम्हारे पास। I love you, Rhea. You know what? I love you the most. क्या मिला ऐसे अच्छा बनकर? Just look at you. देखो अपने आप को, बदल गई हो तुम. And according to Alia Bhuji, you're a bloody doormat. जिसको कोई भी अभी भी कुचल कर चला जाता है. पहले रिया तुम कितनी खुश रहती थी, सबको खुशियां बांटती थी और पूरे दिल से सबको प्यार करती थी, पर बदले में तुम्हें क्या मिला? कि ये मिला तुझे, रिया, इससे तो अच्छा तुम पहले थी। हाँ, तू सबके साथ बुरा करती थी पर तू खुद तो हर्ट नहीं होती थी ना रिया, तुम खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाती थी। वो रोते थे, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हो गया है तुझे भी? रिया, दिस इज नॉट यू। खुशी बांटना, सैक्रिफाइस करना, ये केयर करना, प्यार करना, डोरमैट बनना, तू ये नहीं है रिया। रिश्ते जोड़ने चली थी हा? परिवार जोड़ने चली थी तू? अरे खुद बिखर गई है तू, पूरी तरह टूट चुकी है। प्यार के बदले प्यार नहीं मिला रिया, नहीं मिला। But you know what? मिलता था। हाँ रिया, तुझे मिलता था प्यार, अटेंशन, सब कुछ मिलता था। जब तू दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करती थी, दूसरों के साथ बुरा करती थी, तब तुझे सब मिलता था। Look at you now. देख मेरी बात सुन, वही बेस्ट है। हाँ, मुझे तो पहले जैसा ही बनना चाहिए। पहले जैसे बनना चाहिए? ये आंसू, कम से कम ये आंसू तो नहीं होंगे ना? हाँ रिया, यही बेस्ट है। अब आ गया है टाइम जब तू खुद को हर्ट नहीं करेगी, दूसरों को हर्ट करेगी और खुद को प्यार करेगी। तू खुद को बहुत प्यार करेगी। और अगर कोई तुझे हर्ट करेगा तो उसे बर्बाद कर देगी। छोड़ेगी नहीं तू उसे, माफ नहीं करेगी। तू बदला लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, सच में मैं यही करूंगी। जिन्होंने मुझे हर्ट किया उन्हें माफ नहीं करूंगी। और वो है प्राची और रणबीर।
अक्षय से शादी करी, फाइनली मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। रणबीर जैसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है। वैसे कुछ गलत तो कहा नहीं प्राची ने, है तो सच में ही अच्छा लड़का, पर कितना भी अच्छा क्यों ना हो मैं इसको प्राची के साथ नहीं देख सकता, और मुझसे नहीं अच्छा है। इनफैक्ट मुझसे कोई अच्छा है ही नहीं प्राची के लिए। रणबीर कमाल है यार, आ रहे क्या खाता है? इस पूरी शादी में मुझे कोई पहचान नहीं पाया तेरे को छोड़ के, पहचाना कैसे? बहुत जिनका दिल सच्चा होता है ना, जो सच्चा प्यार करते हैं वो दिल की आंखों से पहचान लेते हैं। तो तेरे हिसाब से जो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करते वो तुम्हें नहीं पहचान पाते? बिल्कुल सही बोल रहा है, इसीलिए प्राची भी मुझे पहचान नहीं पाई जब मैं उसके सामने आया, शायद वो मुझसे सच्चा प्यार करती नहीं। यार कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है यार तू, प्राची ने सिर्फ तेरी अच्छाई देखी, तेरा अच्छा रूप पहचानती, मैंने तेरी बुराई भी देखी, तेरा बुरा रूप भी। एक सेकंड, क्या मतलब है तेरा? मतलब यही है कि ये दाढ़ी मूछ लगा के ना यार तू बहुत ही बुरा लग रहा है। इसमें कैसे पहचानेगी हो तुझे, अब उन सबके सामने तो हैंडसम बना घूमता है ना। और हाँ, तेरे सामने मैं एकदम पागल बन के घूमता हूँ ना, ऐसे दाढ़ी मूछ लगा के घूमता हूँ। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा मतलब पता है मुझे, तू गाड़ी में आया होगा ना, मुझे ड्रॉप कर दे घर भाई प्लीज। घर अकेले? तो तुझे क्या यहाँ से किसी को लेके जाना है? ऑफ कोर्स। किसे? मैं दुल्हनिया को यार, हम दुल्हनिया लेने आए हैं बे, दिलवाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, समझा? बहुत देर हो गई यार,